नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. एबीसी इज अ ट्रायंगल. लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी. हमें कहा है कि इसके अंदर हमें एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जो इन तीनों वर्टिसेस ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे हो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी. किसी भी दो साइड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए. ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसे हमने नाम दिया ओ. अब ओ को हमने ए से भी ज्वाइन किया, बी से भी ज्वाइन किया और सी से भी ज्वाइन किया. अब हमें ये बताने कि ओ ए, ओ बी और ओ सी इक्वल है. कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर में कोई ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको ड्रॉ करना आता है. कैसे करते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ? मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, कंपस से आधे से ज्यादा लेंथ का कंपस ओपन करेंगे. ए पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, बी पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. अगर मुझे ए बी का मैंने बनाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बी पे रख के एक आंख, ए पे रख के एक आंख, तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. सिमिलरली बीसी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. मान लिया हमने कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी लाइन सेगमेंट का है वो इसे पॉइंट एम पे मीट कर रहा है और जो बीसी का लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट एन पे मीट कर रहा है. तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी विच मीट ए बी एट पॉइंट एम, विच मीट ए बी एट पॉइंट एम एंड बी सी एट पॉइंट एन. बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ. दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं. ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी ज्वाइन किया. नाउ हम ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल एओएम एंड ट्रायंगल बीओएम. अगर मैं एओएम और बीओएम ट्रायंगल लूं तो मुझे पता है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एम. इट मींस इस पूरे लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एएम इज इक्वल टू एमबी गिवन हो गया क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा है, इसे ड्रॉ किया है. एंगल एएमओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ 90 डिग्री है. दोनों ट्राइंगल्स में ए एम कॉमन है. एक साइड है ए एम कॉमन और एम बी, एम बी एंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ, ए एम ओ दिस एंगल, ए एम ओ ए एम और एम. यहां तक क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट. ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ एम. यहां तक क्लियर? किससे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेस रूल से, साइड एंगल साइड. अब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपी सीटी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे.
तो इस ट्रायंगल की साइड ओ ए और उस ट्रायंगल की साइड ओ बी, ये भी इक्वल होंगे। यहां तक क्लियर? दोबारा बता रही हूं, सबसे पहले हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लिए, इसका नाम दे दिया पी क्यू एंड आर एस। आप लिखना ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी विच मीट ए बी एट पॉइंट एम एंड बी सी एट पॉइंट एन। बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। हमने इनको ज्वाइन किया, यहां तक क्लियर? ट्रायंगल ली ए ओ एम दिस ट्रायंगल एंड बी ओ एम दिस ट्रायंगल। क्योंकि एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए एम और एम बी इक्वल है, एंगल ए एम ओ और बी एम ओ 90 डिग्री है, एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ओ एम, नॉट ए एम, दिस इज ओ एम। ओ एम साइड दोनों में कॉमन है। अब एक साइड है ओ एम, एक साइड है ए एम, इंक्लूडेड एंगल तो एस ए एस। कॉन्ग्रेंस रूल से सॉरी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ गए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ एन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी ओ एन, आप करके दिखाना चाहो तो करके भी दिखा सकते हो, मैं यहां पे करके आपको दिखा देती हूं कि किससे कॉन्ग्रेंस हुई। एक तो साइड ओ एन दोनों में कॉमन है, एंगल बी एन ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ 90 डिग्री है, एन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो बी एन इज इक्वल टू एन सी है, तो बाय एस से एस कॉन्ग्रेंस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। नाउ बाय सीपीसीटी, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से क्या आया, ओ ए ओ बी के इक्वल था, ओ बी ओ सी के इक्वल है, इट मीन्स ये तीनों इक्वल है, इक्विडिस्टेंट हो गए तीनों वर्टिसेस से पॉइंट ओ। लास्ट में लिखेंगे, पहले एक बार दोबारा से बता रही हूं पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी दो साइड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेने हैं। मैंने ड्रॉ किया ए बी और बी सी का, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। पी क्यू जो है लाइन ए बी को एम पे मीट कर रहा है, आर एस जो है लाइन बी सी को, लाइन सेगमेंट बी सी को एन पे मीट कर रहा है, और जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे, ओ को ए बी और सी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। नाउ ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम में ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर तो लाइन को इक्वल पार्ट्स में, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, एंगल ए एम ओ और बी एम ओ 90 डिग्री, एक साइड आ गई कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट चाहे वो साइड्स हैं चाहे वो एंगल्स हैं इक्वल होंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली बी ओ एन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ एन, मैंने बता भी दिया कि कौन से पार्ट इसके कॉन्ग्रेंसी में यूज होंगे, इसमें भी एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल लगा। बी एन इज इक्वल टू एन सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री है, एक साइड कॉमन है ओ एन। ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ओ बी और ओ सी भी इक्वल आ गए। फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन ओ ए ओ बी के इक्वल है, लेकिन ओ बी ओ सी के, इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए कहा था, एबीसी इज अ ट्राइंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब जो पॉइंट ओ है ट्राइंगल के इंटीरियर में है, अंदर है, सो राइट डाउन ओ इज द पॉइंट इंटीरियर टू ट्राइंगल एबीसी, ओ इज द पॉइंट, ओ इज द पॉइंट इंटीरियर टू ट्राइंगल एबीसी एंड इक्विडिस्टेंट
from all the vertices of triangle ABC. OA is equals to OB is equals to OC आया. O जो है इंटीरियर पॉइंट है और तीनों वर्टिसेस A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है, यही हमें प्रूफ करना था. क्लियर है? जो भी कोई भी दो लाइंस के हमने पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को हमने ज्वाइन किया, ट्रायंगल AOM BOM लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो साइड्स OA और OB इक्वल आ गई. ट्रायंगल BON और CON लिया, कॉन्ग्रुएंट है दोनों सिमिलरली, तो साइड OB और OC इक्वल आ गई. OA OB के इक्वल है, OB OC के, तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल है और जो पॉइंट O है ट्रायंगल के इंटीरियर में है और तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है.